आजकल आ रहे हैं, काफी इशू आ रहे हैं, फेस आईडी बंद हो रही है लोगों की, ये डिस्प्ले ग्रीन हो रही है, डिस्प्ले में लाइन आ रही है, डिस्प्ले में जिप हो रही है, ओके okay. तो ये कुछ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अपडेट करती है कंपनी, उसके रिगार्डिंग ये दिक्कत आती है और ये सारी चीज ओके हो जाती है हमारे पास, तो रिपेयर करवाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए फोन, गलत टेक्नीशियन के पास नहीं जाना चाहिए फोन। अगर सही टेक्नीशियन के पास जाता है फोन तो फोन की लाइफ फिर से नए जैसी हो जाती है। कोई से भी आइटम में हमारे पास कोई मैसेज नहीं आएगा, अगर जो भी मैसेज होगा सब ऑल सब कोई अननोन पार्ट्स का मैसेज नहीं आएगा हमारे ओके पास। बाकी सर डिस्प्ले वगैरह सर आपको मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि ओपन फोन पता नहीं चलेगा कि हमने कभी फोन खुलवाया था। तो मैकबुक वगैरह भी ठीक हो जाता है सर, अभी सब कंप्लीट होकर रखे हुए हैं ना, ये सब कस्टमर के हैं। क्या दिक्कत थी सर इसके अंदर? सर ये सारे डेडी आते हैं हमारे पास, आए तक कंडीशन सारी की हमारे पास आ गया समझ लो, उसकी कंडीशन ज्यादा खराब है। अच्छा, ये भी वाटर डैमेज आया था, ये भी ओके होकर कस्टमर का रखा हुआ है। अब फोन ऑटोमेटिक डेड हो रहे हैं, रीस्टार्ट हो रहे हैं, लोगो स्टक हो रहे हैं, ओके ये सब प्रॉब्लम पहले ही बता चुका हूँ मैं। एमआई में, वन प्लस में, सैमसंग में, इन सब में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और आईफोन की करें बात तो आईफोन तो टूटे हुए मेरे पास कोरियर के थ्रू डायरेक्ट टूटे हुए ज्यादा आ रहे हैं, जैसे फूटे फोन जैसे के, भी भेज देते हैं। ये देख सकते हैं इस कंडीशन में फोन आया था मेरे पास, ये देखो बहुत गंदी कंडीशन में आया था, ऐसे ऐसे मतलब फुली ब्रोकन। अब हमने इसको ये कंडीशन बना दिया बिल्कुल नया, ये देखो हम आईफोन एंड्रॉइड वन प्लस एम आई रिपेयर करते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग कम्प्लीट बोलते हैं यहाँ पे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सब सीखे जाने चैनल पे। आज मैं आपको लेके आया हूँ M2 के मार्केट के अंदर। बाकी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी सारी मोबाइल की दुकानें होती है यहाँ पे, और मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह भी करानी है तो उसकी भी आपको शॉप यहाँ पे मिल जाती है। बाकी एड्रेस मैं आपको समझा देता हूँ, एड्रेस होता है क्रोमा का शोरूम है, उसके एकदम अपोजिट में आपको शॉप मिल जाती है एम सॉल्यूशन नाम से। अगर आपका मोबाइल भी ख़राब हो गया है, फेस आईडी की दिक्कत है, वाटर डैमेज है या फुली डैमेज है, तो यहाँ पे सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर आपका मैकबुक हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, तो उसकी भी रिपेयरिंग यहाँ पे कर दी जाती है काफ़ी कम प्राइसिंग के अंदर। बाकी आपको जेन्युइन पार्ट के साथ में यहाँ पे सब कुछ ठीक की जाती है। तो अंदर जाके देखते हैं क्या क्या सर्विस यहाँ पे मिल जाती है। एक बार मैं आपको शॉप दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एम सॉल्यूशन नाम से शॉप होगी M2 के मार्केट के अंदर, विकास सूर्या मॉल है। बाकी यहाँ पे और भी सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो अपना मोबाइल वगैरह भेज सकते हैं यहाँ पर। तो अंदर लेके चलते हैं आपको शॉप के अंदर। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ दुकान के अंदर, बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर यहाँ पे सर ने अपना ऑफिस बना रखा है, और यहाँ पे काफ़ी सारे रिपेयर के सेटअप आपको देखने को मिल जाते हैं जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखिए मतलब प्रोफेशनल तरीके से सारा काम होता है, और सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है यहाँ पर, जितने भी लोग बैठे हैं सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने अपने एक्सपर्ट है। कोई यहाँ पे स्क्रीन सही करता है, कोई मदरबोर्ड सही करता है, बाकी सारी जितनी भी मोबाइल की दिक्कतें आती है वो सारा यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। आपकी स्क्रीन ख़राब हो, वाटर डैमेज हो, या फुली डैमेज हो, या स्पीकर ख़राब हो, या माइक ख़राब हो, सारी चीज़ की यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाता है काफ़ी अच्छे प्राइसिंग के अंदर। बाकी सभी जेन्युइन पार्ट के साथ काम होता है। हेलो सर, कैसे हो? हाय सर, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया। सर एक बार डिटेल बता दो, वैसे तो काफ़ी सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी बता दी है। सर डिटेल क्या है, हम आईफोन एंड्रॉयड वन प्लस एम आई रिपेयर करते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग कम्प्लीट वर्क है यहाँ पे। ओके, बाकी ट्रेनिंग भी दी जाती है यहाँ पे? ट्रेनिंग भी दी जाती है यहाँ पे। ओके, बाकी सर एड्रेस क्या हो जाता है प्रॉपर अपना? रोहिणी सेक्टर 3 नियर M2 के सिनेमा। जब M2 के सिनेमा पहुंच जाएंगे या क्रोमा का शोरूम है उसके जस्ट बैक साइड में, ठीक है, क्रोमा के जस्ट बैक साइड में आएंगे तो आपको एम सॉल्यूशन नाम से जी शॉप मिल जाएगी, ठीक है। तो सर मोस्टली आजकल वैसे क्या क्या दिक्कतें आ रही है मोबाइलों के अंदर? आजकल जो दिक्कतें आ रही हैं, फोन ऑटोमेटिक डेड हो रहे हैं, रीस्टार्ट हो रहे हैं, लोगो स्टक हो रहे हैं, ओके ये सब प्रॉब्लम पहले ही बता चुका हूँ मैं। एमआई में, वन प्लस में, सैमसंग में, इन सब में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और आईफोन की करें बात तो आईफोन तो टूटे हुए मेरे पास कोरियर के थ्रू डायरेक्ट टूटे हुए ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि फूटे फोन लोग ऑल ओवर इंडिया से भी भेजते थे। ये देख सकते हैं इस कंडीशन में फोन आया था मेरे पास, ये देखो बहुत गंदी कंडीशन में आया था, ऐसे ऐसे मतलब फुली ब्रोकन। अब हमने इसको ये कंडीशन बना दिया बिल्कुल नया, ये देखो भाई। इसमें क्या क्या चीजें चेंज कर दी सर? सर पूरा मदरबोर्ड नया स्वैप हुआ है, इसका भी पुराना मदरबोर्ड है। ओके, ये स्वैप किया हमने, ये देखो इनकी जो मेन आईसी थी जैसे सीपीयू, बेसमेंट, पीसीआई विथ डेटा स्वैप किया इसको, बिल्कुल नया डेटा भी सारा निकल गया इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल नया हो चुका है सर, बिल्कुल नया, जैसे बॉक्स पैक ओपन किया है। क्या बात है, एकदम नया फोन बना दिया, और ऐसी कंडीशन में फोन आया था ये, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, फुली ब्रोकन। ठीक है जी, जैसा कि हमने दिखाया यहाँ पे आईफोन 11 आया था पूरी ब्रोकन कंडीशन के अंदर,
तो बाकी वो भी ठीक हो गया। तो सर आजकल ऐसे ऑटोमेटिक भी तो इश्यूज आ रहे हैं कि खुद ही मतलब बड़े बड़े फोन हाँ आजकल आ रहे हैं, काफी इशू आ रहे हैं। फेस आईडी बंद हो रही है लोगों की, ये डिस्प्ले ग्रीन हो रही है, डिस्प्ले में लाइन आ रही है, डिस्प्ले में जिप जिप हो रही है। ओके तो ये कुछ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अपडेट करती है कंपनी, उसके रिगार्डिंग ये दिक्कत आती है और ये सारी चीज ओके हो जाती है हमारे पास। तो सर ये तो कंपनी की तरफ से होती है ना, तो ये कस्टमर क्यों बियर करे? आप देखिए कंपनी की तरफ से होती है, कंपनी कहीं ना कहीं वारंटी आउट कर देती है उसको, फिजिकल डैमेज या वाटर डैमेज कुछ भी ऐसा बता करके। लेकिन मेरे पास वो काम बिल्कुल कंपनी जैसा ही होगा, बिल्कुल जेन्युइन सील पैक होगा। तो देखा जाए तो एकदम ये तो मतलब कंपनी के द्वारा फ्रॉड हो रहा है सीधा ही सर। ये देखिए ये अपडेट डालते कि स्क्रीन ग्रीन हो जाए उसके अंदर। हाँ इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। वैसे ग्रीन की बात करें तो वन प्लस में बहुत सारी डिस्प्ले में लाइनें आ रही है अपडेट के बाद, बड़े बड़े आ जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल लाइनें आ रही है, मतलब रात को फोन रखा है सुबह मॉर्निंग में, तो ये दिक्कतें आ रही है। और ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली अगर छिड़ा हुआ नहीं है आपका फोन तो 100% बिल्कुल जेन्युइन वर्क हो जाएगा हमारे पास। सर अप्रोक्सीमेटली किसी भी कंडीशन का फोन हो, वो टूट गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, कैसा भी हो गया हो, हम उसको बिल्कुल नया बना देंगे। और सर आजकल जैसे कि फोन में सब सोचते हैं कि वाटर प्रूफ है उनका आईफोन वगैरह, उसको पानी में देखिए वाटर प्रूफ नहीं है, कुछ दिन के लिए वाटर रेजिस्टेंस होता है वो, जब तक उसकी गैस किट कामयाब होती है नए नए में महीने दो महीना, उसके बाद तो पानी जाना ही है। पानी तो बिल्कुल वाटर डैमेज बहुत फोन आते हैं हमारे पास भी रिपेयर होने के लिए। तो मतलब स्विमिंग पूल के अंदर डालना नहीं सही नहीं है, पूल वूल में मस्ती। अभी मेरे पास एक 13 देखिए हमने स्वैप किया है, 13 मिनी ये देखिए ये स्वैप किया है, वो पैक हो रहा है, वो लड़का पैक कर रहा है। एक्चुअली में स्टाफ अभी नहीं है, दिवाली पे सब गए हुए हैं गाँव के और छुट्टी पे गए हुए हैं। ये देखो 13 मिनी स्वैप हुआ है, स्वैप हुआ है वो। तो अभी डैमेज था क्या था? ये बिल्कुल टूट गया था ये सर, ये फोन टूट गया था। हाँ जी ये बहुत गंदी तरीके से आया था, ये इस मतलब मदरबोर्ड इसका पूरा बैंड हो चुका था। ओके बिल्कुल ओके हो चुका है और ये नया के जैसा ही चलेगा और लाइफ लॉन्ग होगा। ऐसा नहीं कि कई लोग की मानसिकता ये है कि एक बार फोन खुल जाए, कई लोग की मानसिकता ये है कि एक बार फोन खुल जाए तो रिपेयर करवाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए फोन, गलत टेक्नीशियन के पास नहीं जाना चाहिए फोन। अगर सही टेक्नीशियन के पास जाता है फोन तो फोन की लाइफ फिर से नए जैसी हो जाती है, बैक टू लाइफ हो जाता है बिल्कुल कंप्लीटली। ठीक है सर। तो सर वैसे मैसेज भी तो आ जाते हैं हमारे पास, आप कोई सा भी काम करवाएंगे किसी भी चीज में कोई मैसेज नहीं आएगा। ओके डिस्प्ले हो, फेस आईडी हो, कोई सी भी अदर ऑल ओवर आइटम, कोई सी भी आइटम में हमारे पास कोई मैसेज नहीं आएगा। मतलब जो भी मैसेज होगा सब ऑल सब कोई अननोन पार्ट्स का मैसेज नहीं आएगा हमारे पास। ओके बाकी सर डिस्प्ले वगैरह सर आपको मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि ओपन फोन पता नहीं चलेगा कि हमने कभी फोन खुलवाया था। मतलब ऐसी कंडीशन सेम न्यू जैसी कंडीशन रहेगी। क्या बात है, मतलब पुराना टूटा फूटा फोन भी होगा उसकी कंडीशन भी एकदम नई जैसी हो जाएगी। और इवन अगर आप परेशान हो ना कि आपका डाटा चला गया, फोन टूट गया, तो वो भी रिकवर नहीं, डेटा भी हम अगर किसी को जरूरत है डेटा की तो 100% डेटा भी देते हैं उनको, डेटा भी रिकवर हो जाता है। ठीक है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि एंड्रॉयड और एप्पल के जो भी फोन होते हैं, मतलब कोई सी भी कंपनी का फोन होगा तो सारे मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन है उनका। हाँ एप्पल ऑल डिवाइस सॉल्यूशन है। ओके मेरे पास मैकबुक आईपैड क्या बात कर रहे हो, मैकबुक वगैरह भी ठीक हो जाते हैं? हाँ, सर अभी सब कंप्लीट होके रखे हुए हैं ना ये सब कस्टमर के हैं। क्या दिक्कत थी सर इसके अंदर? सर ये सारे डेडी आते हैं हमारे पास ज्यादातर, कंडीशन सारी की हमारे पास आ गया समझ लो उसकी कंडीशन ज्यादा खराब है। अच्छा ये भी वाटर डैमेज आया था, ये भी ओके होके कस्टमर का रखा हुआ है, तो कंडीशन सबकी अभी पहले तो लोग लोकल बंदे पे दिखा देते हैं ना, छोटा मोटा जो पट्टे लेके बैठे होते हैं उन पे दिखाते। देखिए वो कुछ नहीं करते, एक तुक्का ही होता है, सीधा सीधा अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हम जैसे के पास आते हैं। लेकिन हमने अब थोड़ा कम कर दिया है डीलरों का काम, बहुत कम कर दिया है क्योंकि कस्टमर के काम से ही हमें टाइम नहीं मिलता, इसलिए डीलर का काम हमने काफी कम कर दिया है। ये सारे डेडी आते हैं हमारे पास, ये सब ओके होके रखे हुए हैं, सब जाने के लिए रखे हुए हैं। देखो आईपैड भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत थी सर? सर ये वाटर डैमेज था, बिल्कुल डेड था ये। अच्छा बिल्कुल बंद हो गया था। हाँ तो इसमें क्या क्या चीज ठीक हुई है? डिस्प्ले हुई है, पावर आईसी चेंज हुई है, डिस्प्ले हुई है, चार्जिंग का काम हुआ है। तो डिस्प्ले भी नहीं डली है इसके अंदर? हाँ। अच्छा पावर आईसी भी हुई है, चार्जिंग का काम हुआ है, सर बिल्कुल नया जैसा वर्क करेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके सर तो ये भी एकदम नया कर दिया, मतलब डेड जो चीज होगी वो भी नए हो जाएंगे। ये मैकबुक में ये भी रिपेयर हो गया पूरा? हाँ ये भी कम्प्लीट है। ओके तो जैसा कि मैंने दिखाया यहाँ पे मैकबुक वगैरह भी हो जाएंगे और आईपैड भी रिपेयर हो जाते हैं, बाकी जो जिस भी टाइप के आप फोन वगैरह सही करवाना चाहते हो तो यहाँ पे हो जाता है। छोटे छोटा इशू होता है जैसे सर माइक वगैरह होते हैं तो बिल्कुल छोटे, ये सब नॉर्मल काम है, ये हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल है, ये सब काम तो होते ही रहते हैं, माइक वगैरह छोटी मोटी आइटम, तो ये तो डेली बेस वर्क है।
बाकी सर आप कोर्स वगैरह भी कराते हो? हाँ जी कोर्स वगैरह भी कराते हैं। क्या मतलब क्या चार्जेस? ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास आते हैं पार्सल। ऑल ओवर इंडिया से आते हैं तो पिक अप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी? हाँ, भी बिल्कुल है सर, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। किसी कैसी भी कंडीशन हो, आई डिवाइस की कैसी भी कंडीशन हो, 100% जेन्युइन पार्ट्स के साथ मैं वापस उसको नया बना दूंगा। क्या बात है, इंडिया में कहीं से वीडियो देख रहे हो तो मतलब आप अपना फोन भेज सकते हैं, बाकी सर सही करा के तो वापस आपको रिटर्न कर ही देंगे। बाकी सर कोर्स वगैरह किसी को करना तो क्या मतलब खर्चा? देखिए खर्चा 80-90 हज़ार रुपए का आता है और ढाई तीन महीना चार महीना या बच्चों के हिसाब से, क्योंकि बेसिक टू एडवांस लेवल है, सीपी लेवल तक। तो यहाँ पे सारे ट्रेंड है अभी या कुछ लोग सीख रहे हैं? अभी काफी सारे लड़के गए हुए हैं, दिवाली के बाद ही आएंगे वो, क्योंकि नजदीक आ गए दिवाली, काफी दिन से यहाँ पे थे। बाकी सर यहाँ पे मशीनें कौन कौन सी होती है सही सर? करने A to Z सारी मशीन है, जो भी हमारे वर्क में काम आती है वो सारी मशीन है हमारे। ठीक है जी, बाकी आपको प्रॉपर यहाँ पे सेटअप मिल जाएगा, जैसा कि दिखा रहे हम तो ये छोटी मोटी दुकान नहीं है, तो बड़े लेवल पे काम है। आपको यहाँ पे टेक्नीशियन भी काफी सारे मिल जाते हैं, अभी तो गए हुए हैं तो आप सेटअप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे सेटअप है, वो सभी अपने कामों में लगे रहते हैं। तो वीडियो के रखते हैं इतना ही, बाकी आप कुछ भी रिपेयर कराना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, सर को कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर विजिट कर सकते हैं तो विजिट भी आप कर लीजिए, यहाँ पे आपको रोहिणी के अंदर शॉप मिल जाएगी, क्रोमा के एकदम अपोजिट M2K मॉल के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करते हैं, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।